बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। पत्रकारों और आम जनता के लिए आरिफ मसूद का सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी। विधायक मसूद ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसी के साथ विधायक मसूद ने बताया कि आज हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। अगर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो मैं भोपाल कोर्ट में पेश होकर आगामी न्यायिक कार्रवाई का पूर्णतः पालन करूंगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विधायक मसूद ने। बोल इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से नावेद अली की रिपोर्ट। मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि कुछ अखबार वालों को गलतफहमी है कि मैं फरार हूं, तो मैं मेहरबानी करके थोड़ा सा, मेरे वकीलों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और मैं इतना बताना चाहता हूं कि मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा लादा गया। उस मुकदमे के अंदर मैंने अपने आप को थाने में पेश करा और वो अवेलेबल ऑफेंस था, मुझ पर जमानत मिली। जमानत मिलकर मैं चुनाव प्रचार में चला गया। फिर दूसरा मुकदमा मुझ पर लाद दिया गया। मैंने तब भी भोपाल के लोगों से कहा कि संयम रखिए, न्यायालय का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, न्यायालय से जो फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे। और मैंने अग्रिम, जो मेरा राइट से मेरा अधिकार है अग्रिम बेल का, वो मेरे वकीलों ने, माननीय अजय गुप्ता ने भोपाल में उसको लगाया। भोपाल से हमको रिलीफ नहीं मिला तो हमारा राइट्स था कि हम हाईकोर्ट में जाएं। सेम डे, क्योंकि उस टाइम दीपावली थी और दीपावली पे मुझे भोपाल आके, मैं हमेशा से दीपावली पे लगातार, जब एमएलए नहीं बनाऊं तब से 6 साल से अपने हिंदू भाइयों के बीच में जाकर दीपावली का पर्व मनाता रहा हूं और जो मुझसे बनता रहा है वो मैं उनकी मदद करता रहा हूं। तो मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी, मैं वह जाना चाहता था, इस कारण मैंने तत्काल हाईकोर्ट में हमने अग्रिम बेल के लिए आवेदन करा। लेकिन क्योंकि दीपावली का वेकेशन होने की वजह से, डीबी बेंच की वजह से, मेरी हेयरिंग अर्जेंट में नहीं हो सकी और उसकी डेट 20 तारीख लग गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में आज की हेयरिंग में वकील बताएंगे जो भी रहा होगा, वो डेट शायद 25 हो गई है। तो आप निश्चिंत रहें, मैं जो भी माननीय न्यायालय कहेगा, माननीय उच्च न्यायालय बेल देगा तो उसका स्वागत, और अगर मुझे अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो मैं भोपाल कोर्ट में पेश होऊंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके फरार का शब्द मेरे साथ इस्तेमाल न करें। मैं बार का भी एक सदस्य हूं, भोपाल बार का सदस्य हूं, असेंबली का मेंबर हूं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पे झूठा मुकदमा है और मुझे निश्चित रूप से न्यायालय से हर हाल में न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद।